दो बच्चों की मां ने मैरिज पैलेस पहुंचकर रुकवाई पति की शादी। अमृतसर कोर्ट रोड के पास एक बड़े आलिशान होटल में सोमवार की रात दो बच्चों की मां ने अपने पति की हो रही दूसरी शादी रुकवा दी। पति द्वारा दूसरी शादी करने की सूचना मिलने पर महिला अपने मायके वालों के साथ पति की तलाश में वहां पहुंची। पहली पत्नी को देखकर दूल्हे और उसके साथियों में अफरा तफरी मच गई। मारपीट होने की आशंका को देखते हुए पैलेस प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस संबंधी बातचीत करते हुए पीड़ित पत्नी और जांच अधिकारी ने बताया, मेरा नाम है जी, मेनू कल छड़ के गए करपूर से लेके तुसी चार के तीन करपूर से लायो, मेनू काम है ते मेनू लग जाने 15 दिन लगने, मैं तानू दिवाली तो पहले ही लेवांगा घर। मेनू कोई खबर खुबर नहीं, कोई के मैरिज करा रहे इत्थे। कौन करा रहे हैं? मेरे हस्बैंड मैरिज करा रहे इत्थे। हां जी, मेनू कह रहे तुसी चार पांच दिन लायो। मेनू सवेरे किसी का फोन आया, उन्होंने अपना नाम नहीं दसा, मेनू कहते कि तुसी अपनी घर घ्रिस्ती बचा लो, फिर की करा रहा वा, तुसी अपने बच्चों की जिंदगी ते अपनी जिंदगी मतलब बचा लो तुसी आके। ते असी आके देखा ते इत्थे मतलब मैरिज करा रहे सीगे, असी एंड टाइम ते पहुंच के उत्थे ब्याह रुकाता इन्हां दा। हां, तुहाडी शादी नूं किन्ना टाइम हो गया? मेरी शादी नूं 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तुहाडे किन्ने बच्चे ने? मेरी दो बेटियां। दो बेटियां? हां जी। ते की समस्या, मतलब तुहानूं कुछ की कोई रीजन कोई पता लगा हो या कुछ, या किहदे नाल शादी करा रहे ने कुछ पता होवे? नहीं, रीजन तो कोई नहीं है। ते शादी किहदे नाल करा रही सी? वो लड़की दा प्रियंका है। प्रियंका नाम है? हां जी। कुमार होटल अंदर कुवारी लड़की ना दोबारा शादी कर रहा, जिस ते असीं मौके ते पहुंचे। लड़की वाले जो भी बयान देन उस मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाऊगी। बयान लै रहे, इनक्वायरी कर रहे, जांच उपरंत जो भी दोषी पाया गया कार्रवाई की जाए। हूं अजे बयान दे रहे लड़की वाले, दोनों परिवार अपने बयान लिखवा रहे ने, बयान तो मुताबिक कार्रवाई की जाए। ਲੜਕਾ ਕੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ।